गुरमीत, बैंक निफ्टी दो बार ऑल टाइम हाई टच करके अब थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। क्या एक रिस्क है मार्केट में कि शायद ज़्यादा ओवरबॉट हो गया और शायद पीक अर्निंग्स का भी एक रिस्क हो बड़े बैंकों को लेकर? कुछ पॉकेट्स में अनुज है, मुझे लगता है जैसे आईसीआईसीआई बैंक में शायद 950 के आसपास हमने देखा है, थोड़ा सा रेसिस्टेंस आया, रीरेटिंग भी हुआ है, वो 1 बुक वैल्यू पे था, आज लगभग 3 टाइम्स बुक वैल्यू पे है। मुझे लगता है थोड़ा एक्सिस कैचअप कर सकता है, आपको थोड़ा सा शायद सिलेक्टिव होना पड़ेगा। एक्सिस कैचअप कर सकता है, वो अभी भी 1.5 1.6 टाइम्स है, थोड़ा सा कवर अप किया है जब नतीजे आए उसमें, एक 1 टाइम जो उन्होंने कॉस्ट इनकर किया सिटी बैंक एक्विजिशन का, कासा रेशियो बहुत अच्छा शेप अप हो रहा है, क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो काफी अच्छा शेप हो रहा है, और यहाँ भी मैंने देखा है जब से लीडरशिप चेंज हुआ है अमिताभ के आने के बाद, एक एक थोड़ा सा कल्चरल टर्न अराउंड भी है, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि पुराना यूटीआई का बैगेज है, तो धीरे धीरे बैंक में पहले कल्चर चेंज करना पड़ता है, मैं खुद बैंकर रहा हूँ। मुझे लगता है एसबीआई के नतीजे, जो अगर आप टेम्पलेट देखें जो बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे रहे और बाकी पीएसयू बैंक करे, मुझे लगता है एसबीआई भी थोड़ा सा पॉजिटिवली सरप्राइज करेगा, तो थोड़ा सिलेक्टिव होने की जरूरत है मेरा मानना है, बट ये कहना कि रिस्क पे है, हो सकता है थोड़ा टाइम करेक्शन आ जाए, बट ये कहना कि रिस्क पे है, और क्योंकि नॉमिनल ग्रोथ इस साल भी 11-12% रहेगी, तो मुझे लगता है कुछ अच्छे बैंक्स में अभी भी 15% क्रेडिट ग्रोथ मिलेगी आप।